हेलो एवरीवन, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सारे 4.2 में ये बोला गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनको प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं हम, दोनों ही प्रॉपर्टी करेंगे हम। फर्स्ट क्या है, हमारी जो सिक्स्थ लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने किया था कि किसी भी रो में कोई भी रो स्केलर मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर। तो पहला देख लेते हैं, एक तरीका तो ये है और चलो पहला तो ये देख लेते हैं कि तुमने इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए सम और डिफरेंस। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहाँ पे सम दिया है, सम दिया है तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम। कैसे, देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ ये वाला ले लिया और ये वाला हिस्सा है वो दूसरे डिटरमिनेंट में कर देंगे। कैसे, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ गया ए बी सी, ये वाला तो पार्ट हमने दे दिया था इसमें, तो बचा हुआ जो इसका जो हिस्सा है वो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, अब इसका वैल्यू भी जीरो है, इसको भी जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी वन सी टू आइडेंटिकल है और यहाँ पे क्या है सी टू सी थ्री आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे क्या हो गया जीरो प्लस, ये क्या हो गया ए बी सी, ए बी सी सेम एलिमेंट है सी वन और सी टू और सी थ्री में, और यहाँ पे सी वन और सी थ्री में, तो इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ क्या है रीजन अगर डालेंगे तो सी वन एंड सी टू इन फर्स्ट एंड सी टू सी थ्री एंड सी थ्री आर इन सेकेंड आर आइडेंटिकल, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका दूसरा और देख सकते हैं हम, कोई भी दूसरा मेथड सेकंड मेथड ऐसे देख सकते हैं क्या कि अगर हम इसमें कोई आइडेंटिकल बनाए, देखो अगर हम सी थ्री में से सी वन माइनस कर देते हैं, सी थ्री में सी वन माइनस करेंगे एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, वाई टू वाई, जेड टू जेड, अपने पास क्या रह जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल है। या फिर अगर हम सी थ्री में सी टू माइनस कर देते हैं तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल बचेंगे तो जीरो बन गया। देखिए कैसे, दूसरा ऑपरेटिंग सी थ्री चेंज इन सी थ्री माइनस सी वन, सी थ्री को चेंज कर देंगे, क्या सी थ्री को चेंज कर देंगे सी थ्री माइनस सी वन, तो अपने पास डिटरमिनेंट क्या आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसमें हमने सी वन माइनस किया, सी वन एक्स माइनस किया वाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ क्या है सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल, ठीक है जी, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में भी हमें इस डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझेंगे उसको कि क्या अप्लाई करें, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो इसमें जब जीरो करना हो तो जीरो करना हो तो अपने माइंड में ही आना चाहिए कि इसकी कोई दो रो या दो कॉलम को सेम बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है। तो यहाँ अगर सोच के थोड़ा सा देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ऐसे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो आइडेंटिकल अगर बनाए यहाँ पे बी माइनस बी प्लस, यहाँ सी माइनस सी प्लस, ए माइनस ए प्लस, कोई भी प्रॉपर्टी कर दो, कोई प्रॉपर्टी इसमें अगर देखते देखते हम तो ऑपरेटिंग सी वन चेंजिंग सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तीनों कॉलम को अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, देखो ऐड करेंगे ए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बी माइनस का बी प्लस का जीरो हो जाएगा, सी माइनस सी प्लस फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया जीरो। अच्छा इसमें करेंगे बी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया जीरो। इसमें अगर हम करेंगे तो सी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, क्या हो गया जीरो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए,
ए माइनस बी और बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्योंकि अगर किसी पूरे रो या पूरे कॉलम की सारी के सारी एंट्री जीरो हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट है इसका हाँ जी थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमिनेंट 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना। या तो कोई दो रो जीरो करेंगे, दो कॉलम जीरो करेंगे, या सॉरी कोई दो रो या दो कॉलम को सेम करेंगे, कोई भी होगा। देखते हैं इसका कोई मल्टीपल वगैरह है क्या। इसका 7 में 63, 8 में 72, 3, 9 में 81, 5। देखो यहाँ अगर थोड़ा सा हम सोच के देखते हैं तो 7 में 63 63 होता है, लेकिन यहाँ पे 65 है। 65 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 63 रहेगा। इसका ये 9 है, प्रोपोर्शनल नोर है। इसका 8 में 72 3 बचता है, यानी कि ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे तो 72 हो जाएगा, और ये वाला माइनस कर देंगे तो 81 हो जाएगा। नाउ ऑपरेटिंग देखो क्या है, C3 चेंज इन C3 माइनस C1। C3 में से C1 माइनस कर देंगे तो इस पे तो हमने कुछ किया नहीं, और 7, 8, 9 ये माइनस किया, माइनस किया तो कितना हो गया 63, यहाँ पे कितना रह गया 72, यहाँ पे रह गया 81। अब ये देखो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल से आप सीधा कर सकते हो या फिर इसमें कॉमन ले लो। क्या इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। अब देखो 9 से ये देखो 9 से होता है ये क्या, कोई भी कॉमन आता तो कॉमन लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 में 63 किया तो यहाँ पे कितना बचा 7, 9, 8, 72, 9, 9, 81। अब ये क्या हो गया, C2, C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। रीजन क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है, और डिटरमिनेंट है अपना 1, 1, 1 बी सी सी ए बी, और ये है ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, जीरो करना है। आइडेंटिकल लेंगे थोड़ा सा तो पहले अगर ना नहीं सुनना है तो पहले क्या है, ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट एंड साइड क्या, इस पर तो कुछ नहीं किया हमने, बी सी एच डीज है, सी ए एच डीज है, ए बी एच डीज है, इसका किया हमने ए बी प्लस ए सी, इसके साथ करते हैं बी सी बी ए, बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस बी सी या सी बी ए की बात है। अब देखो कैसे आइडेंटिकल आ रहा है, यहाँ ए बी ए सी, यहाँ क्या है बी सी, ए बी ए सी बी सी, और यहाँ देखें बी सी बी ए ए सी या सी ए, अगर ऐड करते हैं तो ए सी बी सी ए बी। अब देखो अगर हम सी टू और सी थ्री इन दोनों को ऐड करते हैं, सी टू में लेके आते हैं, तो अपना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बी सी और ए सी सभी में, तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग क्या, ऑपरेटिंग सी टू चेंज इन सी टू प्लस सी थ्री, तो ये 1, 1, 1 क्या हो गया, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए सी को सी ए को ए सी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, बी सी प्लस ए बी, इसको ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इस पर हमने कुछ किया नहीं, सी थ्री पे कुछ किया नहीं, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस बी सी। अब देखो आपका सी टू है, हमारा जो सी टू है, सी टू में से ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी ए सी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमने कॉमन लिख दिया, टेकिंग कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो, इम्प्लाइज का साइन डाल दो, इम्प्लाइज का साइन डालेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस
एसी कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया तो वन 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 कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम से आता है, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में किया था, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी किसी एक रो या कॉलम के साथ होगा इसका। यहाँ कॉमन लिया तो क्या बचा, वन वन वन, यहाँ पे क्या है ए बी ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस बी सी, इसे जब हमने किया तो क्या आ गया ए बी ए बी बी सी प्लस ए सी इंटू, इसका वैल्यू क्या हो गया सी वन सी टू आइडेंटिकल है, सी वन सी टू आइडेंटिकल है तो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। रीजन जरूर डाल देंगे यहाँ कि सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल, अभी क्लियर है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट।